हेलो दोस्तों, मैं रिमशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल पौधों में कीड़े लगना एक आम समस्या हो गई है और उसके कारण हमारे पौधों की अचानक ग्रोथ रुक जाती है और वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं और फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और ख़ास करके दोस्तों, जो फूलों वाले प्लांट होते हैं, जैसे ये मैक्सिकन पिटोनिया हो गया या फिर सदाबहार और गुड़हल, इस तरह के पौधों में कीड़े अक्सर लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसा कीटनाशक बताऊंगी जो बिल्कुल पूरी तरह से घरेलू है, आप बिना कोई पैसा खर्च किए आप उसे आराम से घर में बना सकते हैं। और तो दोस्तों, चलिए दोस्तों वो कीटनाशक कैसे बताती हूँ मैं। तो दोस्तों, ये मैंने दो लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और ये लहसुन की कलियाँ बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। और अब हम ये लहसुन की कलियों को दोस्तों, आप इसे किसी बर्तन में इसे डालकर, और इसमें ये दो कलियाँ मैंने इसमें डाल दी है। अब इसे आप कूट लीजिए अच्छे से, थोड़ा सा दरदरा सा, थोड़ा सा बारीक अगर चाहे तो अच्छे से इसे कूट लीजिए। दोस्तों, लहसुन एक कीटनाशक का काम करता है और वो पौधों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। तो ये मैंने दोस्तों एक कूट लिया है। अब इस लहसुन को तो हम इसमें मैंने एक पानी ले लिया है ये थोड़ा, और इसमें ये लहसुन हम डाल देते हैं। और लहसुन डालने के बाद दोस्तों इसे ढक दीजिए इस तरह से, और इसको लहसुन डालने के बाद इसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसे इस तरह से ऐसे ही रख दीजिए। दोस्तों, अब 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, कम से कम लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं। और अब ये देखिए, जो मैंने लहसुन इसे कूट कर डाला था अच्छे से, ये पानी में मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे छान लेते हैं। अब ये छानने के बाद ये बन गया है दोस्तों एक अच्छा सा कीटनाशक। और अब इस तरह की घर में बहुत बोतलें पड़ी रहती हैं, जिससे हम चश्मा साफ करते हैं तो वो खाली बोतलें बहुत निकलती हैं, तो आप उसमें ये पानी डाल लीजिए। अब हमारा कीटनाशक बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पानी को हम पौधों पे स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस कीटनाशक को हम पौधों पे स्प्रे कर लेते हैं और अच्छे से हर जगह इस तरह से स्प्रे कर लीजिए। ख़ास करके दोस्तों, वो जो काले छोटे छोटे कीड़े जो यहाँ बिल्कुल जड़ों में होते हैं, इसके इस जगह पे जो होते हैं दोस्तों, जहाँ पे जो रूट्स नई नई ब्रांच आती हैं वहाँ होते हैं इस जगह पे, तो वहाँ आप इसे इस तरह से डाल दीजिए, इस तरह से स्प्रे कर लीजिए। तो और दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप जब ही करिए जब आपके पौधों में कीड़े लगे हों, तो झट से आप यूँ ही कीड़ों का सफाया हो जाएगा और आपका पौधा पूरी तरह से इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप भी इसी तरह से अपने पौधों का ख्याल रखिए, अपने गार्डन का ख्याल रखिए और इसी तरह से गार्डन को सजाइए। अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलूंगी। बाय दोस्तों।